हेलो एवरीवन, मैं हूँ रमुना अनिल और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। मैंने आज क्रिएट किया है राधा रानी लुक, तो आप सबके साथ में शेयर करना तो बनता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल पे बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर दीजिए एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने अपना मेकअप अभी स्टार्ट कर लिया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम पी एस सी का आपका ब्लास्ट मॉइस्चराइजर मैंने यूज़ किया था। उसके बाद में मैं यहाँ पर प्राइमर लगा रही हूँ, मेबलिन का मैट प्लस पोरलेस प्राइमर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा आपके स्किन पे। ड्राई स्किन है तो आप डोई प्लस स्मूथ वाला प्राइमर ले लेना, वो अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर मैं फॉरएवर 52 का पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉर करेक्टिंग। मुझे काफ़ी सारे एक्ने मार्क्स अभी फ़िलहाल हो गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पैलेट है, आप ले सकते हो इसको, बहुत अच्छे से आपकी सारे ये चीज़ को हाइड कर देता है। उसके बाद में मैं डायरेक्टली फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैंने नार्स और फॉरएवर 52 को मिक्स करके लगाया है। नार्स में था शेड पंजाब, फॉरएवर 52 का मुझे शायद पीनट मैंने यूज़ किया था, यस। उसके बाद में अच्छे से ब्लेंड करके उसके बाद मैंने लगाया है। यहाँ पर सुगर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड चोको चीनो 30। ये काफ़ी अच्छा शेड है अगर आप मीडियम टू डस्की स्किन टोन के हैं तो, हाईलाइट करने के लिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। उसको भी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्यूटी ब्लेंडर में फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ। मेक श्योर आपका ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प होना चाहिए। उसके बाद मेबलिन फिटमी का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं बेकिंग करने के लिए, अपने बेस को सेट करने के लिए। बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है, काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल हुडा ब्यूटी के जैसा ही ये वर्क करता है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। अच्छे से बेस को सब तरफ से सेट करेंगे, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, अच्छे से सेट करना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर डायरेक्टली ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने माइग्लाम का पोज ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा ब्रॉन्जर है, अच्छा पिगमेंटेशन देता है, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्रॉन्जिंग कहाँ कहाँ करनी है आप वीडियो पे देख करके समझ जाओगे कि मैं कहाँ कहाँ ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आई मैजिक की जो पैलेट मैं यहाँ हाथ में पकड़ी हूँ ना, उसी पैलेट से मैंने ब्लश लगाया है। काफ़ी अच्छा ग्लोई ग्लोई वाला ब्लश शेड है इसमें, थोड़े थोड़े सिमर से हल्के हल्के, तो आपको हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी मैं तो एक्स्ट्रा हूँ ना, मैंने अभी एक हाइलाइटर पैलेट लिया है वेट एन वाइल्ड का, वो हाइलाइटर भी मैंने यूज़ किया है, पिंक शेड का था ये, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। मैं इसको ब्राइट्स पे भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा है और काफ़ी सस्ता है। उसके बाद में यहाँ पर मैं मेकअप को फिक्स करने के लिए फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में मेरा फेवरेट पैलेट जो मैंने अभी अभी नायका से परचेस किया था हॉट पिंक सेल से, ये है प्रॉस का द सो स्टॉपर आई शेडो पैलेट। इतनी अच्छी पैलेट है ये, मैं क्या बताऊँ, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है। इसी से मैंने अपना आई मेकअप जो वो किया है, मैंने पहले एक लाइट ब्राउन शेड लिया था, उसके बाद भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेकर के अच्छे से ब्लेंड किया, तो मुझे लगा थोड़ा सा ये कम हो रहा, तो फिर मैंने एक और डार्क ब्राउन कलर लेके उसको उसके नीचे ब्लेंड किया है, आप देखो यहाँ पर, ठीक है। ब्रश मैं सारे बेली के यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी होता है। उसके बाद में मैंने एक गोल्डन शिमर लेकर के आईलिड पर अप्लाई कर दिया था, दैट्स इट, इतना ही मैंने अपने आई मेकअप में किया है। उसके बाद में एक सिल्वर शिमर को लेकर के उसी पैलेट में से मैंने ब्रोबन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया एंड सेम लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन को लेकर के मैंने अपना लोअर लैश लाइन पे भी कर लिया था और रिकोर्ड का काजल अप्लाई किया था, ये भी मैं बता दे रही हूँ। एंड आईब्रो को डिफाइंस करने के लिए मैंने पीएससी का आईब्रो पैलेट यूज़ किया था। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, इसको शायद गोपी डूड्स बोलते हैं या फिर कोलका बोलते हैं बंगाली में, वो मैंने बना लिया। मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने ये वाइट कलर का कंसीलर यूज़ करके इसको बनाया है। एंड लिपस्टिक मैंने लगाई है मेबलिन वाइनल इंक लिक्विड लिपस्टिक, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है, सच बता रही हूँ। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक, राधा रानी लुक। आप सबको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो नायका का हॉट पिंक सेल पार्ट 2 आ रही है, तो उसके लिए पहले से रेडी रहिए आप लोग, ठीक है। मैंने वीडियो एक्चुअली बनाने का टाइम नहीं मिलता, शूट करने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।